नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का, तो वही खबर झांसी से है जहां परिवार में ही आपस में झगड़ा हो गया, तो वहीं चचेरे भाई ने परिवार के जन को चाकू मार दिया। आपको बता दें कि झांसी जिले की तहसील मोड़ क्षेत्र में भाई ने भाई पर चाकू से हमला कर दिया। वहीं इस घटना में चचेरा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया है। आपको बता दें कि पूरा मामला ग्राम सिकंदरा का है, जहां एक लड़का अपनी चाची से गाली गलौज कर रहा था। इसी दौरान उसका बेटा आ गया। जब उसने गाली देने से मना किया तो दोनों चचेरे भाइयों में आपस में कहासुनी हो गई। धीरे धीरे यह कहासुनी ने मारपीट का विकराल रूप धारण कर लिया, जिसमें चचेरे भाई ने ब्रजेश खरे पर चाकू से वार कर दिया, तो वहीं ब्रजेश गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको पुलिस ने CHC में भर्ती कराया, जहां पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां छठे चरण में विधानसभा का चुनाव होगा, तो वहीं चुनाव के दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आया। आपको बता दें कि सिद्धार्थनगर जिले के 5 विधानसभाओं में छठे चरण में मतदान होना है। इसी की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारी ने विधानसभा में भारत नेपाल सीमा पर स्थित कई बूथों का जायजा लिया, साथ ही भारत नेपाल की सीमा पर भी सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया। यहाँ सुरक्षा में तैनात SSB के अधिकारियों और जवानों से मिलकर सुरक्षा को लेकर जानकारी हासिल की, तो वहीं बॉर्डर की सुरक्षा को लेकर पुलिस कप्तान यशबीर सिंह ने कहा कि चुनाव के मद्देनजर भारत नेपाल की खुली सीमा के साथ सभी संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर सुरक्षा को लेकर व्यापक रणनीति बनाई गई है। मेरे और कप्तान साहब द्वारा रेगुलर बेसिस पे थाने वाइज जो भी हमारे संवेदनशील बूथ हैं उनका भ्रमण हमारे द्वारा लगातार किया जा रहा है, और उसी के क्रम में आज मोहाना थाने और कपिलवस्तु थाना के कुछ बूथ और बॉर्डर एरियाज हमारे द्वारा देखा गया है, और पब्लिक से भी बात की गई। ये कोई समस्या है पब्लिक को या कुछ भी है, उन इशूज़ पर भी डिस्कस किया गया, और जो भी आवश्यक दिशा निर्देश हैं वो भी संबंधित अधिकारी उनको दिए गए। खबर उन्नाव से है, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया, तो वहीं पैरामिलिट्री फोर्स ने फ्लैग मार्च निकाला। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अपनी कमर कस चुका है, तो वहीं गुरुवार को स्थानीय पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स ने विभिन्न ग्राम सभाओं में पैदल मार्च निकाला, जिससे कि अराजक तत्वों में भय व्याप हो और विधानसभा चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से पूरा हो सके। खबर गाजियाबाद से है, जहां 5 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने हैं, तो वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आपको बता दें कि विधानसभा गाजियाबाद की 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, तो वहीं बहुत ही कम समय इस चुनाव में रह गया है, तो ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियों ने नेता जनता के बीच जाकर चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। तो वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट गुरुवार को गाजियाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने गाजियाबाद शहर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सुशांत गोयल के लिए डोर टू डोर चुनाव प्रचार किया। पक्ष की भूमिका नहीं निभाई, ये मैं दावे से कह सकता हूँ, और तीनों पार्टियों के सरकार देख चुके हैं। हम लोगों ने एक बेहतर विकल्प देने की कोशिश की जनता के सामने, जनता जनार्दन है, 10 मार्च को परिणाम आएंगे, लेकिन लड़कियों के लिए महिलाओं के लिए जो वादा प्रियंका जी ने किया उसको हमने पूरा किया है, किसानों के लिए हमने अलग योजना बनाई है। खबर इटावा से है, जहाँ सपा प्रत्याशी ने बसपा का दामन थाम लिया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी को ही अपना गढ़ इटावा में एक जोरदार झटका लगा है। दरअसल सपा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी राम गोपाल यादव के करीबी माने जाने वाले कुलदीप गुप्ता ने साइकिल की सवारी छोड़ हाथी का दामन थाम लिया है। आपको बता दें कि कुलदीप गुप्ता ने प्रेस वार्ता कर कहा कि सपा के सक्रिय कार्यकर्ताओं में से किसी को भी टिकट ना देकर एक निष्क्रिय व्यक्ति को टिकट दे दिया है, जिसकी वजह से वह पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। कुलदीप गुप्ता सपा के प्रमुख महासचिव राम गोपाल यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। इसके साथ ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने उन्हें टिकट देकर इटावा की सदर सीट से मैदान में उतारा है। वहीं सपा प्रमुख
अखिलेश यादव ने 3 बार के सांसद रहे राम सिंह साकिया के बेटे सर्वेश साकिया को इटावा सदर सीट से टिकट दिया है। अपने उत्तर प्रदेश में मेरे साथ बस इतना ही। बाकी दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबीसी स्टार न्यूज़।